लास्ट वीडियो रे आमे लाइट सातर एक्सप्लेन करथिले ऑफ टू रिफ्रैक्शन दे जाइछा रिफ्रैक्शन रो क्रिटिकल एंगल पढ़ि नथिले आज टू आज क्रिटिकल एंगल टोटल इन द रिफ्रैक्शन लेंस लेंस फार्मूला लेंस मैक्रो फार्मूला डिस्पर्शन के सब जगह डिस्कस करिबा ओके लेट्स स्टार्ट दैट इज क्रिटिकल एंगल हम ठीक मारे को रो रिफ्रैक्शन रे रिफ्रैक्शन कांसेप्ट रे होची रिफ्रैक्शन रे रिफ्रैक्शन कांसेप्ट कौन सी ना कौन सा तो लाइट जब वो पटे मीडियम को आउट से मीडियम को ट्रैवल सोची पटे मीडियम को आउट से मीडियम को ट्रैवल सोची देन लाइट तर पाथ चेंज सोची कहाँ पाथ चेंज सोची ना अदर मीडियम रे लाइट का वेलोसिटी चेंज हो सोची सो वेलोसिटी चेंज हो पाए वेलोसिटी कहीं चेंज हो सोची ना से मीडियम पर सब मीडियम पर डेंसिटी मान बनी पर अरेंजमेंट सेम है लेसर डिफरेंट सो मॉलिक्यूलर डेंसिटी जो सो अपोज हो छि लाइट को मे भी अपोज होई पाए को मीडियम केतोले को मीडियम आगो मीडियम अपेक्षा तर स्पीड बढे भी देबे तन कम अपोज होई रेजिस्ट करबो से अनुसार हम देख रहल छी हमरो स्पेशल तीनटा तीनटा मीडियम एयर वाटर और ग्लास ए तीनटा मीडियम ला कंपेयर करिवन तन मैक्सिमम वेलोसिटी आसो एयर रे सेकंड आसो वाटर रे हाई डेंसिटी जो ग्लास अपोज हो छि लाइट को रेजिस्ट हो छि सेटा ग्लास वेलोसिटी कम आसो ए तीनटा मीडियम अपेक्षा सो दैट लाइट जो अदर मीडियम जाउ छि से मीडियम रे तर पाथ चेंज हो छि से फेनोमेनन को हम कहू छे रिफ्रैक्शन वीडियो जे हम पढ़ छे गति सरण दिस इज इंसिडेंट एंगल दिस इज रिफ्रैक्ट एंगल मन रखियो जदि एटा एरर मीडियम एरर माने वेलोसिटी बहुत थिवो कंपेयर नो विद सेकंड मीडियम मतलब सेकंड मीडियम से जो हम कंपेयर करे बोले तो वेलोसिटी अधिक आसो से हम से जरो दिस इज द डेंसर तो ये केस में आई टा आसो ग्रेटर देन आर मींस नॉर्मल आर टू ग्रेटर टुवर्ड्स द नॉर्मल ये कांसेप्ट को हमने कहा द डेंसर ऑफ एरर लाइट है डेंसर ऑफ एरर लाइट है मतलब लाइट ये मीडियम पे जाउ छी रिवर्स तो से केस में आवे जीवो है बेंड को से आवे ये केस में इंसिडेंट एंगल क्वेश्चन होगा तो आर का हेतु है सो मान लो एरर ऑफ डेंसर को बोले लाइट नॉर्मल लाइट को बेंड करियो और डेंसर ऑफ एरर बोले तो नॉर्मल को आवे बेंड करियो माने रिफ्रैक्टिव एंगल बड़ी बड़ी छ डेंसर ऑफ एरर हो छ ये कांसेप्ट का क्या करिबा बोलते ना क्रिटिकल एंगल सो देखो क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल कौन जैसे तो लाइट फर्स्ट होल्स क्रिटिकल एंगल कंडीशन से तो आसीबो यदि लाइट डेंसर मीडियम को एरर मीडियम को ट्रैवल करतीबो यदि लाइट डेंसर मीडियम को एरर मीडियम को ट्रैवल करछी एटा डायग्राम लिखियो डेंसर मींस दैट आई मीन देयर वाटर जाउ छी लाइट एयर को किंबा ग्लास हो जाउ छी वाटर को से केस रे एटा हो डेंसर मीडियम एटा हो एरर मीडियम डेंसर मीडियम रो एरर मीडियम से जो लाइट ट्रैवल को सी कौन कर दिए बे डेंसर दिस इज एरर सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड को सी सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड को सी माने एंगल का कोण हम देखो ये मिलना बड़ी बड़ी जाउ छी ये एंगल मान लो नीचे आई1 इट इज आई1 में आर1 अगेन सेम सोर्स लाइट इट इट ऑफ लाइट सोर्स एंगल बड़ी बड़ी चला एंगल आप इंक्रीज कर दे माने इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा इंसिडेंट एंगल से बढ़ो छी रिफ्रैक्टेड एंगल आउ इंक्रीज कर छी मींस ये जो रेटा आउ फ्रॉम अपर बैंड को छी माने पाखा पाखी सब माने एकदम फेस हो छी इंटरफेस इंटी बैंड को कोन एंगल बढ़ा आउ बैंड को छी सो गोटे टाइम आसीओ सेते बेले लाइट कोन को छी ना ऑन द इंटरफेस इंटरफेस रे रिफ्रैक्ट करियो सो इन केस रे इंसिडेंट एंगल को हमें कहिबा क्रिटिकल एंगल जस्ट सी द सिचुएशन
लाइट डेंसर मीडियम को रेरर मीडियम को कार्बन परिवार दरकार डेंसर रेरर को कार्बन कला परे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है रिफ्रैक्टेड एंगल के दे जो 90 मींस रिफ्रैक्टेड रेडार इंटरफेस से जो को लिख इंटरफेस से दिया सरफेस के मीडियम को डिवाइड कर छी तो ये केस है एंगल के दे आउ छी 90 दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ओके हमरा डेफिनेशन पढ़िबो ने क्रिटिकल एंगल कांसेप्ट रहबो ता रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करबा कोन क्वेश्चन हे परबो क्रिटिकल एंगल रे जदी लाइट इंसिडेंट करछि ताले रिफ्रैक्टेड एंगल केते हो रिफ्रैक्टेड एंगल होछि 90 फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल के कंडीशन कोन लाइट डेंसर रेर जो रखा रेर डेंसर जो रखा कि रेर रेर जो रखा डेंसर डेंसर जो रखा क्योंकि विभिन्न प्रकार चॉइस दी गई हो तो क्रिटिकल एंगल पे कंडीशन हो छी लाइट डेंसर मीडियम रु जीवा रखा रेर रु माने कम वेलोसिटी रु अधिक वेलोसिटी को जीवा रखा अच्छा नेक्स्ट ए क्रिटिकल एंगल रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेशन अछि माने ये मीडियम में रिफ्रैक्टिव जो मीडियम में लाइट जाउ छ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मीन हो छ म्यू तो रिकॉर्ड आछ देखो लेट हम ले छे एटा हो छ अदर मीडियम देन माने डेंस ऑफ मेजरमेंट नो नो डाउट इट इज द एयर रहियो छ सो फर्स्ट मीडियम में ले छे एयर सो ए केस देखो हमें स्नेल्स लॉ यूज करबा कोन है स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू sin i by sin r is equal to second medium of the refractive index that is 2 जो कि लाइट जाउ छी by by हम जे हमें रेर मीडियम हो छी रेर मीडियम न्यू रेर by न्यू डेंसर 2 by 1 देखो 2 by 1 रेर डेंसर sin i को हम लिखले क्रिटिकल एंगल में c i को सब्स्टिट्यूट कर छी द आप सब्स्टिट्यूट कर छी 90 डिग्री रे sin 90 हो छी 1 रेलर मीडियम को जदी हम एयर ले थीवा बाय हम एयर लेना है लेट से रेलर मीडियम खाली पर सब लाइट पर ग्लास को एयर बजाओ थीवो वाटर को एयर बजाओ थीवो की माने छ नो मैं भी पर ग्लास को वाटर बजाओ छ वाटर भी दा ऑपरेशन में ग्लास में ऑपरेशन में हो छ रेलर तो रेलर में डेंस हो तो साइन सी इज इक्वल टू हो छ फर्स्ट फार्मूला न्यू रेलर बाय न्यू डेंस बट जदी रेलर मीडियम एयर हुए एयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 तले 1 पे न्यू नबा खाली न्यू ने ऑप्शन दे ना मैक्सिमम का रखा है सो सेकंड में 2 मीडियम लाइट जाउ छी सी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बता क्रिटिकल एंगल का रिलेशन हो छ साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय न्यू आउट से कोस फार्मूला माने जो साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय न्यू और म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी ओके म्यूजिकल टू अंदर साइंसी तरह से क्वेश्चन करा सके ये वो एक हम लोग नहीं क्या भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया क्वेश्चन हो जी द क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम इज 30 डिग्री यू नो क्वेश्चन है करियो क्रिटिकल एंगल हो जी 30 डिग्री देन पता छ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं क्रिटिकल एंगल जो दे हो 30 डिग्री तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते बस सेम क्वेश्चन करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो दे बता दो सेम से मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है तो हम यहां पर एक सॉल्व कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल जो है 1 बाय sin 30 1 बाय sin 30 1 बाय 2 दैट इज 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं 2 अगेन से पता चलता है सेम मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं अगेन दूसरा मीडियम इसको सी बाय डी कितना फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू सी बाय लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए म्यू इज इक्वल टू सी बाय अप्लाई करो तो सी और वैल्यू जान से 0 वैल्यू पाइसो इफ वी गो टू 3 टू 10 टू द 8 बाय v ये पाइसला 3 टू 10 टू द 8 बाय 2 दैट इज द आंसर आसो ओके सो दिस इज अबाउट क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड फाइनली पार्ट के बारे क्रिटिकल एंगल को हमें वेलोसिटी से होते फार्मूला देखिबा जो थे क्रिटिकल एंगल नहीं हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो वेलोसिटी नहीं हो वेवलेंथ नहीं हो गोटे फॉर्मूले
सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दियो से क्वेश्चन हो छी
ଏହା ହେଉଛି ୱେଭଲେଥ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରେଡ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଏପଟେ ରହୁଛି ରେଞ୍ଜ ରେଡ୍ ଅରେଞ୍ଜ ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଭାଇଲେଟ୍ ମାକ୍ସିମମ୍ ୱେଭଲେଥ୍ ହେଉଛି କାହାର ନା ରେଡ୍ ଯାହାର ୱେଭଲେଥ୍ ଅଧିକ ତାହାର ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କମ୍ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଫର୍ମୁଲା କାହିଁକି ପଢ଼ା ହେଇନି ମନେ ରଖିବ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଇଜ୍ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ୱେଭଲେଥ୍ ୱାଟର ଟୁ ଗ୍ଲାସ ଅପ୍ସନ୍ ବି
air to glass. Option C, glass to water. Option D, air to water. चाहे तो ऑप्शन दो मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही भाई हो आंसर कौन आंसर हो ना आंसर तो देखो फर्स्ट टाइम एनालिसिस करे वाटर टू ग्लास ये एक बार वो की वाटर हो ची वाटर हो गया मीडियम वाटर हो ची ग्लास कंपैरिजन तो एयर कंपैरिजन में वाटर का डेंसर तो ग्लास कंपैरिजन में ग्लास का जो स्टाइल है वो ची रेयर डेंसर ये कैसे पॉसिबल नहीं रेयर डेंसर ये कैसे पॉसिबल नहीं ग्लास डेंसर एटा रेयर ये कैसे पॉसिबल सो आंसर सी ऑप्शन सी करेक्ट दिस वन एयर टू वाटर दैट इज रेयर डेंसर एटा भी नहीं पॉसिबल सो वो कैसे क्रिटिकल अगर पॉसिबल है बोलियो दैट इज ग्लास टू वाटर ओके नेक्स्ट क्रिटिकल एंगल र सिचुएशन पर एक डेफिनेशन द कंडीशन डायग्राम पर एबे हम जीवा तो एप्लीकेशन पार्ट आ जो छि जे बुक सिचुएशन में हमरो क्रिटिकल एंगल असे वैल्यू लाइफ टाइम ध्यान कर ला रियल एज से करियो हम फॉर करवा जे कि पीआईएन कंडीशन का सैटिस्फाई हो छि बोली तो फर्स्ट कंडीशन कोन ना फर्स्ट एग्जांपल कोन फर्स्ट एग्जांपल हो छि डायमंड डायमंड का कहीं डैजल करे तो क्वेश्चन जो पचारिबो why diamond dazzle what is the brilliance of a diamond what is the diamond or glass with for a kaun je glass diamond type chak chak korchi ta resin hochi due to pir due to pir resin hochi jeto light diamond bhitar enter korchi light ta bhitar kaun kuch na spread korchi ni au bahar ke asar na kahi ki na dekha to resin ki hochi ta resin hochi diamond ro critical angle this one for the refractive index high pakha ki diamond refractive index hochi 2.5 critical angle hochi 24 degree to pakha ki 24 degree 24 degree kon normal ami glass case to dekhi possible hoba nahi ete kon glass refractive index 1.5 so diamond case possible ta critical angle ta bahut kom so that diamond ko emi to very cut to dekha to geometry hochi diamond ko ami emi to very cut to dekha so that से कौन करेगा ना जब तो लाइट एंट्री हो रही है बटे पेंसिल तो ये जो आंगल का किधर हो रही है ना लेस देन 24 डिग्री तो लाइट आउट ऑफ पेंसिल जी हो एंट्री तो जब लाइट कौन बोला अंदर आने के लिए एंट्री बड़ी हो गई था देन डायमंड का मूल आगे से जब ज्यादा दूर से रीजन हो चुका था ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टाइम भी डायमंड रिलेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टाइम भी हुए डायमंड का क्रिटिकल एंगल कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई डायमंड का सोते हो वे यदि काटेबा तो ज्योमेट्री यदि सेम अनुसार होखला देन डायमंड डैजल करियो नेक्स्ट डायमंड पर हम जे प्रैक्टिकल एग्जांपल असे कर दिस वेज जटा को काय जो हमने अनुभव करथियो पारे ने दूर असे जरे हॉट समय जाउ छ ताले एटा तो काय डैजल को देखा जे ना मिले छ कुछ मिले छ जटा हम एवरी पोजन दि हमर एटा कोन जुरा अफिकल इल्यूजन हला ऑप्टिकल इल्यूजन जो बात है भौतिक भ्रम किसी किसी हम अपना सर भी माने जी का भ्रम थी जिस रॉन्ग रेजिन हम से लाइट पर पहना बना तब लाइट पर होए पहना बना लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और मैंने तो एक बार अच्छे लिखा ट्रीट है अच्छी तुम्हें दूर कर सकते हम कौन हो छी ना डेजर्ट में बहुत सी मिरेज का केमिति आसे जे सो फंक्शन कौन तो जस्ट ओवरऑल नॉलेज था मिरेज क्वेश्चन पढ़बो मिरेज का को इंसिडेंट बुझो छी लाइट रो तमे मोड और जे ऑप्शन थियो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बुझो यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाही त रिफ्रैक्शन बुझो रिफ्रैक्शन रे एगो कंडीशन पीआर तो बैच में सकियो त हम जे फोन समरे बिना एयर जो हो छी ऊपर हॉट मतलब ऊपर एयर का तल एयर है ना तो गांव के एयर का बेसी हॉट है कना रेडी जो हमारा रेडिएशन प्रोसेस है ग्राउंड लोएस्ट लेयर में बेसिक हीट होती तो अपर लेयर हीट कम अपर लेयर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान भी हीट कम ना जब जब जो अधिक हॉट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो जो कम एटा होस में
কম্পারিজন ধরুন এটা লেয়ার হিসেবে পাইলে এটা হচ্ছে হট রিজিয়ন, এটা হচ্ছে কোন রিজিয়ন? কোন রিজিয়ন এটা? সো দ্যাট ইয়ার রিজিয়ন ইনহাল আর দেখো এটা হলো ডেনসর, ইনহাল আর রেয়ার আর, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। তো ডেনসর যখন লাইট আসিব, লাইট যখন আসিব এটি ভেন্ট করবে দেখো। কাইলা দেখা ওলা ভিডিও করে না, উপর রয়েছে ডেনসর, তলা হচ্ছে রেয়ার, লাইট ভেন্ট করা। তো রিফ্লেকশন আমি দেখি তো আমি যে রিফ্লেকশন দিছি রোল ইজ বাই ফোল্ড হচ্ছে, দিস ইজ দ্য ইমেজ। আমি এই ইমেজটা দেখি Okay.